छात्रों, आपका स्वागत है दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के डेली करंट अफेयर लगातार सिलसिले में। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी चीन। छात्रों, उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज कराई है। दक्षिण कोरिया ने भी यह एक बयान जारी कर कहा है कि मिसाइल की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है, केवल उन्हें नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। चीन ने वर्ष 2017 में थार के मद्देनज़र दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी चीन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कैलिफोर्निया ने सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विवेक लाल, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी मोहन त्यागी और ऑप्शन डी अजय सेठी। छात्रों, विवेक लाल ने अप्रैल में ही अमेरिकी सुरक्षा व एरोस्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन के एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद दुनिया के प्रीमियम ड्रोन निर्माता ने उन्हें नियुक्त कर लिया। विमानिकी व रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ विशेष विवेक लाल ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लॉकहीड मार्टिन छोड़ने का फैसला लिया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विवेक लाल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 19 जून और ऑप्शन डी 15 अगस्त। छात्रों, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला किया है। इन 24 में 18 सीटों का चुनाव कोरोना महामारी के कारण टल गया है। इनमें से 4 सीट आंध्र प्रदेश में से, गुजरात से 4 सीटें, 3 सीटें मध्य प्रदेश से और राजस्थान से 3 सीटें, 2 झारखंड से और 1 मणिपुर और मेघालय से है। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव दिए गए थे। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 19 जून होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? ऑप्शन ए अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन बी खेल रत्न, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार और ऑप्शन डी ध्यानचंद्र पुरस्कार। छात्रों, इस साल खेल सम्मान के लिए खेल संघ और बोर्ड अपने अपने खिलाड़ियों को नाम इसके लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। साक्षी मलिक एक भारतीय महिला पहलवान है। इन्होंने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वह पहली महिला पहलवान है। उन्होंने इससे पहले ग्लासगो में आयोजित 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अर्जुन अवार्ड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किस नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोहन सेठी, ऑप्शन बी अरुण सिंघल, ऑप्शन सी राम त्यागी और ऑप्शन डी विक्रम सचदेवा। छात्रों, अरुण सिंघल 1987 बैच के उत्तर प्रदेश काडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इसी के साथ सरकार ने 1991 में बैच के तमिलनाडु काडर के आईएएस अधिकारी एस गोपाल कृष्णन को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अरुण सिंघल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी बिहार। छात्रों, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की मंशा को पूरा करने में भूजल के मुकाबले तहत का पानी अहम भूमिका निभाएगा। आवंटित धन की मदद से बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेंगी। इस मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिहार होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 10 फरवरी और ऑप्शन डी 15 मार्च। छात्रों, 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावी की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 31 मई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर श्रीलेखा, ऑप्शन बी कोमल त्रिपाठी, ऑप्शन सी प्रियंका सेट्ठी और ऑप्शन डी गगन सचदेवा। छात्र, हुआ मौजूदा समय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है और जेल विभाग में तैनात हैं। कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में उन्हें डीजीपी के पद पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि केरल पुलिस ने 2 डीजीपी इस 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो गई हैं। हालांकि श्री लेखा को 2 साल पहले ही डीजीपी का लेखा दर्ज मिल गया है, लेकिन केरल में केवल 4 डीजीपी ही अनुमति देता है। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा साल 1991 में पहली महिला पुलिस सुपरिटेंडेंट बनी थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए आर श्रीलेखा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशुनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी आईओबी, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी सीबीआई। छात्रों, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष स्तरीय पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में श्री आशुनी भाटिया की नियुक्ति की सिफारिश की है। आशुनी भाटिया वर्तमान में सीबीआई में उप प्रबंध निदेशक हैं। आशुनी भाटिया को पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी एसबीआई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा गया है? ऑप्शन ए खेल रत्न, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी ध्यानचंद्र पुरस्कार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, विनेश फोगाट इस समय 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में 3रे स्थान पर है। 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत के साथ ही उन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों में भारत की पदक की उम्मीद के तौर पर भी देखा जा रहा है। विनेश फोगाट महिला कुश्ती में 2014 राष्ट्रमंडल खेल के स्वर्ण पदक विजेता हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए खेल रत्न होगा। छात्रों, इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।